हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आपका आज की क्लास के अंदर स्वागत है। तो आज की क्लास अपने आपको पता ही है किस रीजन से बनाई गई है। आज की क्लास का रीजन है लेसन थर्ड के आंकिक प्रश्नों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट और सेकंड लेसन के आंकिक प्रश्न करे थे, उसके लिए थ्योरी आपको आनी बहुत जरूरी है, फॉर्मूलेज आने बहुत जरूरी है। तो एक बार यदि आप सभी के पास ये वीडियो पहुँच पा रही है, तो एक मेरा छोटा सा काम आप लोग करेंगे कि यदि किसी स्टूडेंट को फॉर्मूले नहीं पता, ठीक है, कि इस डेरिवेशन के अंदर क्या फॉर्मूला आया था, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी एक शीट बना लेंगे। एक कॉपी लेना, पेन लेना, उसके अंदर हेडिंग डालना कि लेसन नंबर थर्ड फॉर्मूला शीट, और टॉपिक लिखते जाना और उसके रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूले आए थे वो लिखते जाना। इससे वो फॉर्मूले अलग तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे, उनकी शीट भी तैयार हो जाएगी। और यदि आंकिक प्रश्न करते समय आप उनको भूल जाएं, आंकिक प्रश्न करते समय यदि आप उनको भूल जाएंगे, तो वापस से उसको रिवाइज कर पाएंगे, फॉर्मूले तक पहुंच पाएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या था। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन नंबर थर्ड और उसके एग्जाम्पल्स तक पहुँच जाइए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, 3.1 क्या कह रहा है देखिए। एक स्थान पर विद्युत विभव 15 वोल्ट है, माइनस के 15 वोल्ट है, तथा किसी दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितने जूल काम करना पड़ रहा है, 150 जूल काम करना पड़ रहा है, तो V का मान ज्ञात कीजिए। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम तो जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, विभव में अंतर VV माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है फॉर्मूला, ठीक है। VB कितना है, VA कितना है, माइनस के 15, W कितना है 150, Q कितना है 6, V माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 15 इज इक्वल टू 25। वोल्ट इसका आंसर आ गया। सारे बच्चे समझे इसको और फटाफट से नोट कर ले। यूनिट लगाना कोई भी नहीं भूलेगा, यूनिट बहुत जरूरी है, यूनिट जरूर से जरूर लगानी है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, 20 कूलाम आवेश को 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तब इनके मध्य का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपको फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूला ही लगेगा, VV माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q, R का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, W 2 है, Q 20 है, 1/10, बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा आंसर फटाफट से सॉल्व कर लो। Thank you.
एग्जाम्पल नंबर 3.3, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, आवेश का मान दिया हुआ है इसके अंदर 1.1 × 10⁻¹ कूलम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज कीजिए, स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस दशा में बी का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R, क्योंकि W और Q, W दे नहीं रखा है तो बी बराबर KQ/R, K की वैल्यू 9×10⁹, Q की वैल्यू ये है और R की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है, तो ये प्लस नो माइनस नो तो कट गए, ये कितना हुआ 9.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ठीक है अपॉन 10 नीचे ऊपर गया, ये प्लस 2 हो गया, प्लस 2 हो गया तो कितना बचा, इस टाइप से सॉल्व हो गई 99 वोल्ट। उतार ले क्योंकि जो अगला एग्जांपल है ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल नंबर 3.4 देखो, दो आवेशों Q1 दिया हुआ है आपको 4×10⁻¹ कूलम और Q2 दिया हुआ है −3×10⁻¹ कूलम के मध्य दूरी जो दे रखी है 0.1 मीटर है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। अब इस टाइप से दो आवेश रखे हुए हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस आपको 0.1 मीटर दी हुई है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर शून्य होगा, तो सपोज करो इस वाले बिंदु पर शून्य होगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ये मान लिया कोई सी पॉइंट। इसकी Q1 से डिस्टेंस हमने x मान ली है तो इसकी डिस्टेंस कितनी बचेगी, 0.1 − x मीटर। ठीक है, इसके द्वारा इस पर जो विभव निकलेगा V1, इसके द्वारा जो इस पर विभव निकलेगा वो होगा V2, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 0। विद्युत क्षेत्र की तरह हम इसको चेंज नहीं कर देंगे कि मोड लगा दिया पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा, KQ1/x, इतना ही है ना, −KQ2/, ये कितना है 0.1 − x, K से K कट गया है, Q1 की वैल्यू कितनी है 4×10⁻¹ बराबर माइनस तो पहले ही है, Q2 में भी माइनस आ रहा है, −3×10⁻¹ 0.1 − x। अब देखो क्या कर सकता है, −9 से ये 10⁻¹ कट गया, 4/x = 3/0.1 − x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये। इसको यदि और सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है x = 0.4/7। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व करो, क्या आंसर इसका आता है वो आप मुझे बताओ फटाफट से, क्योंकि ये x आई है अभी तक।
ये आ गया। जब बिंदु बीच में होता है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में भी, सेकंड लेसन में भी कर लिया है हमने ऐसा क्वेश्चन। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये स्थिति तो जब है जब वो पॉइंट है बीच में स्थित है। यदि पॉइंट बीच में स्थित नहीं हो, बाहर स्थित हो, तब क्या करेंगे? देखिए दिया हुआ है इसमें सेकंड ऑप्शन कि अगर अलग कंडीशन हो तो क्या होगा। यदि हमारे पास कंडीशन ये होती Q1 Q2 और जो पॉइंट है वो कहीं यहां पर स्थित है, पी पॉइंट बाहर स्थित है, ठीक है, इसको हम मानते हैं एक्स डैश, ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है बताओ। एक्स डैश में से पॉइंट वन को माइनस कर दो, ये आ जाएगा, ये एक्स डैश है। हमने क्यू वन से पी की डिस्टेंस निकाल ली, एक्स डैश पी से क्यू टू की निकालनी है, तो इतने बड़े में से इसको माइनस कर दो, बस अब इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। यहां से जो ये है, ये है V1 और ये क्या है V2, क्या हो गया V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो, V1 इज इक्वल टू माइनस V2, V1 KQ अपॉन एक्स डैश माइनस KQ2 अपॉन एक्स डैश माइनस 0.1, बस इसको करके सॉल्व करना है अपने को। थोड़ा सा तो मैं कर रही हूं, उसके बाद अब खुद करना। क्योंकि मेनली तो इसमें समझना ही था। अब बेटा इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, मुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको उतार लीजिए और इस क्वेश्चन को समझिए कि यदि वो पहली बोल देगा कि दोनों आवेशों के मध्य में कहां रखें, जब तो पहली वाली कंडीशन आएगी, दूसरा उसने बोल रखा है अनंत पर विभव का मान शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य मान लो, तब क्या होगा? तो दोनों ही स्थिति बता दी हमने, उतार लो इसको एक बार, समझ लो। चलिए अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार है। क्वेश्चन क्या है, पहले डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन तो क्या डायग्राम ही है पूरा, इस टाइप से दिया हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां ए पॉइंट, यहां बी पॉइंट, डिस्टेंस ये स्मॉल ए स्मॉल आर दी हुई है, स्मॉल बी दी हुई है। अब हमसे पूछ रहा है वीबी माइनस बीए ज्ञात कीजिए, सॉरी बीए माइनस बीबी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव
ये रहा प्लस क्यू आवेश और ये रहा ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या नोट करूं मैं इसके अंदर? कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, मैं अंकन सोच रही हूं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण ऐसा कीजिए, इसको बी वन मानिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। क्या हो जाएगा, के क्यू प्लस क्यू है ना, डिस्टेंस कितनी है ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगला माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बी टू इज इक्वल टू माइनस के टू के क्यू, माइनस क्यू है ना। अब माइनस क्यू से ए के कारण विभव, डिस्टेंस कितनी हो गई क्यू से ए की, आर प्लस बी, आर प्लस बी। इक्वेशन नंबर सेकंड, कुल विभव ए पर, कुल विभव बताइए क्या होगा, बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, मतलब कि के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस बी। उतारो पहले, ए पर विभव निकाला है हमने, एक सेकंड, एक मिस्टेक है, अपन ने एक मिस्टेक करी है कि ये जो दूरी है ना ये भी ए ही दे रखी है बुक के अंदर, क्वेश्चन को उतारने में ही मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो बस आर प्लस ए कर लो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। अब बी पॉइंट पर आ जाते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बी वन इज इक्वल टू के क्यू, दूरी देखो प्लस क्यू से बी की, आर प्लस ए। नेक्स्ट माइनस क्यू आवेश के कारण बी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा माइनस के क्यू, बताइए जिसको बिल्कुल पास है ए। इक्वेशन नंबर पांच, बी पर कुल विभव, वी बी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन ए। समीकरण नंबर छह, और अब हमें ज्ञात क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, क्या ज्ञात करना है, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि वी बी माइनस वी ए, सॉरी बी ए माइनस वी बी, अरे यार लिखने में इतनी मिस्टेक्स। के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन ए, माइनस से बाहर निकालिए चीजों को, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। तो बस देखो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, टू के क्यू अपॉन ए माइनस टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए, टू के क्यू को बाहर निकाल लो, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन आर प्लस ए। बोर्ड भर गया है, इसको उतार लो, और बाद में इसको खुद ही अब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। कुछ नहीं बचा हुआ, जरा सा बचा हुआ है, आप क्या करोगे, एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व करोगे अब आप, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, बुक में दे दिया भी हुआ है, मेन काम था इसकी वर्किंग समझना, फटाफट से उतार लो, आपको टाइम दिया जा रहा है।
हाँ